येस दियर स्टूडेंट इट इज़ अ क्वेश्चन आंसर ऑफ अस बाई साइकिल इन गुड प्रिपेयर ओके येस फर्स्ट आई गॉट अ पढ़ ली फॉर मी इट्स एम्प्लाइज दैट मतलब इसका तात्पर्य क्या है कि गोटअप पढ़ ली इसका मतलब था कि ही वॉज़ एन अर्ली राइजर ही वॉज़ अ लेट राइजर ही गोट अ मतलब वो लेट आया था ना कितने आधे घंटे है ना ही वॉज़ अ लेटर राइजर लेट उठा था येस सेकेंड इज द बी बाई साइकिल गोज इजीली इनफ इन द मॉर्निंग एंड अ लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच द रिमार्क इज मार्क योर चॉइस ह्यूमर्स मतलब उसकी ह्यूमर्स होती है सोच होती है उनकी है ना यस फाइंड टू और थ्री सेंटेंस इन द टेक्स्ट विच एक्सप्रेस द ऑथर्स डिसप्रूवल ऑफ इट कौन सी लाइन थी ये देखो डोंट डू द योर यू विल यू विल हर्ट मतलब उसको रोकता है ना ऑर बार बार की मत करो हर्ट लग जाएगी इट डजेंट इफ़ यू डोंट वोबल इट डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड मतलब उसको बताता है मत करो तुम थक जाओगे ये करोगे वो करोगे है ना Fourth, If not, it would make a serious difference to the machine. What does it refer to? Refer kya It referred to ball bearing working with the text. <laughs> yes. Did the front wheel easily, uh, really, wobble? Uh, what is your opinion? Give a reason for your answer. The front wheel wobbled.

मतलब दो हिस्से में खोल दी थी उसने वैन फ्रेंड हैड टेकन आउट द फ्रंट व्हील ऑफ द फ्रेंड सिटिंग ऑन द ग्राउंड विद द व्हील बिटवीन हिज लेग्स ही वॉज प्लेइंग विद द व्हील वाइल द अदर पार्ट ऑफ द बाईसाइकिल वॉज लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ विद हिम मतलब क्या हुआ जब तक तो वो टूल लेने गया वापस आया तो उसने तो आगे वाला चक्का व्हील था जो खोल ही दिया था और अपने लेग के बीच में रख के उसके तो साथ तो क्या कर रहा था प्लेइंग कर रहा था yes nothing is easier than taking off the gear case comment on on or continue this sentence in the light of what actually happens uh, nothing is easier than taking off the gear case but it is an impossible task to fix it back uh, the author's friend took out the gear case easily but he was having a nightmare in putting it back to its place मतलब क्या करा उसने गियर बग्स का कर क्या करा उसने कि बट इट इज एन इम्पॉसिबल टास्क मतलब उसको वापस खोल तो दिया लेकिन उसको फिक्स नहीं कर पा रहा था और नाइट उसे वापस रख दिया उसने कहा रख दो इसको फिर देखेंगे कल यस वॉट स्पेशल ट्रीटमेंट डिड द चेन रिसीव टाइट एंड इट्स एंड एक्सेंट दैट द रिटर्न मूव इट इट एंड द लूज एंड मतलब उसने या तो चेन को ज़्यादा टाइट कर दिया था या लूज एंड मतलब ढीला कर दिया था उसने लेकिन सही नहीं किया था द फ्रेंड हैज़ टू क्वालिटी ही नोज दैट ही इज डूइंग एंड एबस्यूटली श्योर इट इज़ गुड फाइंड द टू प्लीज टू पैर इन द टेक्स्ट विच मीन द सेम दो पैरेजेज थे जो उसके क्या थे गुड की उनकी क्वालिटी क्या थी तो क्या थी शेयरली कॉन्फिडेंस एंड इन एक्सपा एक्सप्ली केबल हॉपफुलनेस मतलब एक तो वो था कि हाँ मैं साइकिल सही कर दूँगा और दूसरा ये था कि उसको खुद को ये बिलीव था कि मैं कर सकता हूँ यस yes, ये फिलुप फिलअप से बच्चों इसको देख लेना आप पीपल हु लिव इन ग्लास हाउस नॉट थ्रोन स्टोन <laughs> अच्छा ये पैरजेज है ये देखो शूट मस्ट मस्ट शूट शूट आउट टू शूट है ना किस में शूट आएगा किस में वोट आएगा या ऐसा क्वेश्चन इंग्लिश में वो एग्ज़ाम में ज़रूर आता है वहीं जहाँ ज़रूरत होती है चाहिए शूट मतलब होता है चाहिए हमें ये करना चाहिए वी शूट हो अपने पेरेंट्स की है ना शूट और मस्ट होता है कि करना ही पड़ेगा आपको मस्ट कहते हैं ना मस्ट यू डैश डू वॉट द टीचर टेल यू यू मस्ट थर्ड में क्या है जो टीचर आपको कहती हो तो आपको करना ही है देख लो मस्ट है ना यस द पीपल्स व टोल्ड दैट दे राइट मोर नीटली शुड Sign in front of a park, you not walk in a grass. Must. He left home at nine o'clock, he be here any minute. Must. Should. ही लेफ़्ट होम एट नाइन ओ क्लॉक ही शूड अच्छा उसने नाइन ओ क्लॉक को घर छोड़ दिया मतलब निकल गया था वहाँ से यहाँ पे आना चाहिए थोड़ी देर में वो आना चाहिए होना चाहिए आना चाहिए ओके okay? ये वाला आप कर लेना आप इसके बाद क्या है कुछ नहीं है गार्डन स्नै वाला भेज दिया मैंने आपको ओके थैंक यू